नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 100 बड़ी खबरों से। जानिए क्या है कोरोना से बचाने वाली हाइब्रिड इम्यूनिटी या सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी, किन लोगों में होती है ये इम्यूनिटी। कर्नाटक में एक दिन में लगा 26,92,000 लोगों को कोरोना का टीका, रिकॉर्ड कायम कर देश में पाया पहला स्थान। शारीरिक श्रम की कमी से बढ़ता है स्ट्रोक का खतरा, जाने क्या है इससे बचने के उपाय। था में स्पॉट हुए मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर, दोनों के बीच उम्र के गैप को लेकर यूजर कर रहे हैं ऐसे ऐसे कमेंट। शहनाज गिल के भाई ने हाथ पर बनवाया सिद्धार्थ शुक्ला का टैटू, कहा तुम मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहोगे। कनेक्टेड कार या नॉर्मल कार, यहां जाने आपके लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा बेस्ट। अपने व्यवहार की सुंदरता पर दें ज्यादा ध्यान, जानिए अच्छे स्वभाव का जीवन में महत्व। राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू, 20 सितंबर को जारी होगी अलॉटमेंट लिस्ट। देश में कोरोना के 35,000 से अधिक मामले, 97.65% पहुंचा रिकवरी रेट। गणेश पूजा में जालीदार ड्रेस पहनकर पहुंची कश्मीरा शाह, सोशल मीडिया यूजर्स बोले मैडम तमीज नहीं है। 108 एमपी कैमरा के साथ लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी A73, लॉन्च से पहले लीक हुए स्पेसिफिकेशन। क्या है मिस्ट्री फीवर, स्क्रब टाइफस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जाने एक्सपर्ट से। रनवे बनने से भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान को युद्ध के समय मुंह तोड़ जवाब देने में होगी सक्षम। हर वक्त खाते रहने की आदत हो सकती है ब्रिज ईटिंग डिसऑर्डर, जाने इससे होने वाले गंभीर नुकसान। पीएम नरेंद्र मोदी गोवा के मंत्रियों, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वैक्सीन लाभार्थियों संग करेंगे बातचीत। पीएम मोदी ने आज बुलाई सभी मंत्रालयों के सचिवों की बैठक, विकास कार्यों के करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रचा गया वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, एक दिन में लगी 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन। दिल्ली एनसीआर में अगले एक हफ्ते फिर चलेगा बारिश का दौर, यूपी हिमाचल सहित इन राज्यों के लिए अलर्ट। भारत में भोले भाले युवाओं को इंटरनेट के जरिए बरगला रहा है आतंकी संगठन IS, यह कहना है NIA का। कोची में आज डिजिटल हब का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना लक्ष्य। नेक्स्ट, कोवैक्सीन की मंजूरी को लेकर अगले माह फैसला, WHO की एक्सपर्ट पैनल 5 अक्टूबर को करेगी बैठक। यूपी एमपी सहित अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने मौसम का ताजा अपडेट। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने किया सचेत, जाने क्या कहा। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराने की समय सीमा फिर बढ़ी, जाने अब कौन सी है अंतिम तारीख। हर वक्त खाते रहने की आदत हो सकती है ब्रिज ईटिंग डिसऑर्डर, जाने इससे होने वाले गंभीर नुकसान। आधार कार्ड पैन कार्ड समेत अहम दस्तावेजों की फर्जी कॉपी बनाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। धरती पर पर्यावरण की भयावह समस्या पैदा कर रहा प्लास्टिक कचरा। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई बेहद सक्रिय, बालू के खेल में लगे अधिकारियों को यहां पड़ रहे छापे। अब ज्यादा नहीं करना इंतजार, अगले महीने से घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। उपनिवेशवाद को मजबूत करने वाले नाम पर देश की राजधानी में सड़क क्यों। हिंदी में भी आसानी से होगी मैथमेटिकल मॉडलिंग, छात्रों के लिए फ्री है और सॉफ्टवेयर। वित्तीय समावेशन की मजबूत मुहिम, डिजिटल दुनिया से तेजी से जुड़ रहा भारत और देश का आम आदमी।
गंदे नालों की सफाई में अब प्रयोग होंगे जलीय पौधे, नदियों को साफ रखने के लिए यूपी सरकार की कई योजना। चारे से खाने की थाली तक पहुंचा बांस, आचार ही नहीं अब इससे स्वादिष्ट आहार भी हो रहे तैयार। हिंदुत्व के खिलाफ खौफनाक विश्वमन, इन कुत्सित प्रयासों की खुलकर निंदा की जाए। अब घर बैठे पानी की बूंदों से बनाई बिजली, आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानियों ने कैसे किया ये कारनामा। अमिताभ बच्चन से फैन ने पूछा क्यों किया कमला पसंद का एड, बिग बी बोले पैसे मिलते हैं इसीलिए। बेल बॉटम ओटीटी पर हुई रिलीज, अक्षय कुमार की फिल्म को जाने कैसे मिल रहा है रिएक्शन। द फैमिली मैन 2 एक्टर मनोज वाजपेयी के पिता की हालत गंभीर, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती। अब एक और सरकारी बैंक ने सस्ता किया होम लोन, त्योहारी सीजन का तोहफा। आईपीओ मार्केट में फिर आने वाली है बाहर यात्रा समेत दूसरी कंपनियों के ऑफर के लिए पैसा रखिए तैयार। पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट देने का मिलेगा ज्यादा टाइम, इन सेंटरों पर कर सकते हैं जमा। सीएससी सेंटर के जरिए ऑनलाइन मिल रही है राशन कार्ड से जुड़ी ये सेवाएं। बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए करें इस योजना में निवेश, पाए बेहतर ब्याज दर और टैक्स में छूट का लाभ। आईआरसीटीसी की श्री रामायण यात्रा से करें भगवान राम से जुड़ी जगहों के दर्शन, जाने टूर की पूरी जानकारी। आज है भाद्रपद माह का प्रदोष व्रत, जाने तिथि पूजा मुहूर्त एवं महत्व। भारी कीमत में बेचना चाहते हैं पुरानी कार तो फॉलो करें प्रोफेशनल टिप्स। स्कोडा कुशक 1.5 रॉयल को जल्द मिलेगा नया ऑटोमेटिक वेरिएंट, 6 एयरबैग्स के साथ होगी ये खासियत। नई पीढ़ी की विटारा ब्रेजा से लेकर अपडेटेड एक्सेल 6 तक मारुति लॉन्च करेगी ये धांसू कारें। टाटा सफारी गोल्ड एडिशन हुआ लॉन्च, जानिए इसकी कीमत और खासियत। 2021 फोर्स गुरखा भारत में 27 सितंबर को होगी लॉन्च। बिक्री के मामले में सबसे आगे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, महज 2 दिन में किया 1100 करोड़ का ताबड़तोड़ बिजनेस। रवि शास्त्री का जाना था, बीसीसीआई ने 2 पूर्व दिग्गजों को किया मुख्य कोच, बनने के लिए संपर्क। विराट कोहली क्वारंटीन से निकले बाहर, टीम के खिलाड़ियों के साथ मिलकर किया अभ्यास। न्यूजीलैंड का दौरा रद्द करने से भड़के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, ट्विटर पर निकाली भड़ास। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके स्टार खिलाड़ियों की होगी मैदान पर वापसी, लेजेंड्स लीग क्रिकेट में खेलेंगे। ब्लैक बिकनी में दिखा अनन्या पांडे का बोल्ड अवतार, जाने क्यों लोगों को आई दिशा पाटनी की याद। स्कोडा कुशाक 1.5 एल को जल्द मिलेगा नया ऑटोमेटिक वेरिएंट, 6 एयरबैग्स के साथ होगी ये खास। व्हाट्सएप में आ रहा है कमाल का फीचर, अपनी इमेज को स्टिकर्स में बदल सकेंगे यूजर्स। दिया मिर्जा ने पहली बार दिखाया बेटे अभियान का चेहरा, प्रियंका चोपड़ा ने भी लुटाया प्यार। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस के 87 पदों पर निकली वैकेंसी। पाकिस्तान में खादम हुसैन रिजवी के जनाजे के वीडियो को किसान महापंचायत का बताकर किया जा रहा है वायरल। कोकराझार पुलिस ने नवगठित आतंकी समूह यूएलबी के एक शिविर का किया भंडाफोड़, 2 की मौत। बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट है लक्षद्वीप, न्यूड बीच से लेकर समुद्री तटों तक का ले सकते हैं मजा। ब्लड प्रेशर से लेकर पाचन तक को ठीक रखती है हींग, जानिए 5 बेहतरीन फायदे। दसवीं तथा 12वीं कक्षा के इम्प्रूवमेंट परीक्षा शुरू, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन। मैं हूँ उमेदुर रहमान, मुझे एटीएस और खुफिया एजेंसी खोज रही है, यह सुनते ही सन्न रह गए पुलिसकर्मी।
आगरा में पति पत्नी ने एक साथ फंदे से लटक कर की खुदकुशी, 4 महीने पहले की हुई थी शादी। राजा यति के किला की खुदाई में मिले थे 2800 साल पुरानी संस्कृति के अवशेष। घाटे की मार झेल रही रोडवेज की वॉल्वो बस सेवा का संचालन बंद, वाराणसी से लखनऊ की यात्रा प्रभावित। जस्टिस राजेश बिंदल होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कानपुर में अरौल से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, दिल्ली से बनारस के बीच 12 स्टेशन प्रस्तावित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कानपुर एवं आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने समझाइश प्रबुद्ध की सियासत, बोले प्रबुद्ध मतलब समाज को लीड करने वाले लोग। सपा दलितों को साधने के लिए करेगी संवाद, कल से होगी शुरुआत। राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर दिल्ली हाईकोर्ट में दी दलील, जानिए क्या कहा। दिल्ली एनसीआर के बदमाशों को हथियार व कारतूस बेचने आए 2 तस्कर, पुलिस के हत्थे चढ़े। दिल्ली पुलिस ने सांसद प्रिंस राज की हिरासत में पूछताछ की मांग की। पंजाब की कैप्टन सरकार का नया कदम, विधायकों के बेटों के बाद अब मंत्री के दामाद को नौकरी देने की तैयारी। घर और कार खरीदना हुआ सस्ता, इन बैंकों के पास है आपके लिए आसान और कम ब्याज दर का लोन ऑफर। और अश्विन के दिमाग में चलता रहता है पूरा मैच, धोनी के लिए रहे हैं मैच विनर। झारखंड गवर्नर ने बताई एम्स के नई दिल्ली से राज्यों में विस्तार की कहानी, वाजपेयी को दिया श्रेय, देवघर में एमबीबीएस डिग्री पर कह दी बड़ी बात। सीएम से पीएम के सफर को यादगार बनाने के लिए भाजपा ने शुरू किया सेवा अभियान, बाबूलाल ने कहा कर्मयोगी। हावड़ा ट्रेन हटिया से भी खुलेगी, आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर से चलेगी। झारखंड में आज दिन भर छाए रहेंगे बादल, जाने विश्वकर्मा पूजा पर कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। विश्वकर्मा पूजा पर रिम्स पहुंचे पैथोलॉजी के दर्जनों उपकरण, सस्ती दर पर मरीजों की हो सकेगी जांच। साहिबगंज पहुंची सीबीआई की फोरेंसिक टीम, तोड़ा जाएगा रूपा तिरके के कमरे का सील ताला। बैडमिंटन में सानवी ने प्राची को हराया, टेनिस स्पर्धा के गर्ल्स फाइनल में सुहानी विजेता। यूएस दूतावास का कृषि सलाहकार दल खेतों का करेगा भ्रमण। जेई मेंस में प्रयास के छात्रों ने दिखाया हुनर, इस बार 178 हुए उत्तीर्ण। रविवार के अध्ययन शालाओं में दाखिले को प्रवेश परीक्षा का तीसरा दिन आज। गणपति बापा खत्म करो कोरोना, आलिशान वृद्धाश्रम में सुख भी दुख भी। छत्तीसगढ़ के चांदूलाल चंद्रकार अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए 1041 पद मंजूर। कोरबा के पामाल की घटना पहुंची हाईकोर्ट, संचालक ने दायर की याचिका। जंगल सफारी में तेंदुए की मौत से हड़कंप, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कारण। वाहन की एनओसी के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक के चक्कर। छोटे होते खेतों को रकबे, अब सहकारी खेती की जरूरत। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बोले डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में मिलना चिंताजनक। हाईवे पर आए दिन हादसे, अंडर ब्रिज की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने किया आंदोलन। राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर दिल्ली हाई कोर्ट में दी दलील, जानिए क्या कहा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।